तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 15 अगस्त का अपना खुद का प्रोफाइल फ़ोटो कैसे बना सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप सेम टू सेम इस प्रकार से बना सकते हो। आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा और बनाने का भी बताऊँगा कि किस तरह से आप इस तरह का फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहना है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको पूरी जानकारी हम बताते हैं कि आप इस तरह का फ़ोटो, अपना खुद का फ़ोटो कैसे बना सकते हो और अपने प्रोफाइल फ़ोटो पे लगा सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल पे लगा सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अपना प्रोफाइल लगा सकते हो, ठीक है। तो 15 अगस्त का ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रेंड्स कर रहा है। प्रोफाइल पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये आपको करना क्या है कि वीडियो को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एक छोटा सा काम करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है नाइस वीडियो, वेरी नाइस वीडियो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिख करके एक छोटा सा कमेंट राय में ज़रूर देना। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि मैंने जो फोटो बनाया है वो पिक आर्ट से बनाया है। इसका नाम पिक आर्ट है इस एप्लीकेशन का, जो कि आपको प्ले स्टोर पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे पिक्चर आर्ट को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो मैं पिक आर्ट को ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, ओपन होने देते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा इंटरफेस, जहाँ पे आपको करना क्या है कि एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा। सिंपली आपको प्लस के आइकन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कर लोगे ना, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेना होगा, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे मैंने गैलरी ओपन कर रखा है, मैंने आपको गैलरी यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एल का निशान दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका गैलरी का जितना भी फ़ोटो होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को लेने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि इस प्रकार से बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, यहां पे बैकग्राउंड मैंने ले लिया, उसके बाद जो फ़ोटो को आपको बनाना है उस फ़ोटो को यहां पे आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर स्क्रोल करता हूँ नीचे की तरफ, देख सकते हो। तो यहाँ पर स्क्रोल करने के बाद यहाँ पे एक आइकन दिख जाएगा आपको, फ़ोटो का निशान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऐड फ़ोटो पे। तो यहाँ पे मैंने ऐड फ़ोटो पे क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो को आपको बनाना है उसको आपको यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मेरा गैलरी ओपन हो चुका है, मैंने जिस फ़ोटो को बनाना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस फ़ोटो को मैं बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, नहीं तो मैं यहाँ पे तो इस फ़ोटो को बना करके दिखाया है, मैं यहाँ पे आपको दूसरा फ़ोटो दिखा देता हूँ बना करके, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने दूसरा फ़ोटो ले लेता हूँ। तो हम यहाँ से ये वाला फ़ोटो को ले लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले फ़ोटो को ले लेते हैं और ऐड पे क्लिक कर देते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, जूम करने के बाद बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से जैसे ही खींचोगे यहाँ से तो यह अपने आप ही बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ फिक्स कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको इसका बैकग्राउंड हटाना है। तो इसका बैकग्राउंड हटाने के लिए आपको यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे आपको इरेजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों करना क्या है कि इसको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि इसका बैकग्राउंड आपको हटाना है, ठीक है। इस फ़ोटो का बैकग्राउंड, जो फ़ोटो आपने क्लिक किया है उसका बैकग्राउंड आपको यहाँ से हटा देना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी हटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको जूम कर लेना है, जूम करके और यहाँ से अपने उंगली से स्क्रैच कीजिएगा, ये बैकग्राउंड हटता जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए हम फास्ट से जल्दी जल्दी हटा लेते हैं। तो गाइस, जैसे ही इसका बैकग्राउंड हट जाएगा आपको क्या करना है कि यहाँ पे साइन का निशान दिखेगा, सही का निशान, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने से होगा क्या कि ये यहाँ पे आ जाएगा और सेव हो जाएगा। उसके बाद गाइस, जहाँ पे आपको फिर से साइन के ऑप्शन पे, सही के ऑप्शन पे, सही के निशान पे आपको क्लिक कर देना है, ताकि ये फ़ोटो सेव हो सके और इधर उधर ना जाए, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको करना क्या है कि इस आइकन पर आपको ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है।
ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में एक PNG मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ से डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने इस बैकग्राउंड सॉरी यहाँ पे PNG को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे इस PNG को आपको यहाँ से बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस PNG को डाउनलोड करने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ला करके यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसका साइज़ फिक्स कर दिया। उसके बाद यहाँ पे इस वाले लाइन को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इधर को लाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंड का ऑप्शन, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपको ब्लेंड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे मल्टीप्लाई पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद होगा क्या कि ये फिक्स हो जाएगा, आपको लगेगा कि नहीं कि ऊपर से डाला गया, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो, जैसे कि मैं नॉर्मल में डालता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, देख सकते हो ये फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको सही के निशान पर फिर से क्लिक कर देना है, सेव हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से उसी वाले ऑप्शन पर ऐड फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक और PNG मैंने दे रखा है जो कि सारी की सारी जितने भी PNG है वो आपको मिल जाएगी वहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पे PNG को सेलेक्ट करना है। तो जो मैं दूसरा PNG मैं बताने वाला हूँ आपको, उस PNG को आपको यहाँ पे डबल टैप करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया है, फिर से एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये डबल हो गया। डबल होने के बाद आपको बगल बगल में इसको लगा देना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इसको साइज़ हम फिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। उसके बाद गाइज आपको फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करना है और एक छोटा सा और PNG ले लेना है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उस PNG का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको डाल दूंगा। ये वाला PNG ले लेना है, यहाँ पे आपको टच करना है, रख देना है। उसके बाद गाइज आपको फिर से ब्लेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और स्क्रीन सॉरी यहाँ पर डार्किन कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पे ओवरली पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ओवरली पे क्लिक कर देता हूँ ये वाले ऑप्शन पे, जो कि यहाँ पे लगता है कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है, इसके टी शॉट में। तो ऐसे फिक्स करके आपको फिर से सही के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि बिल्कुल सही तरीके से सारी की सारी एडिटिंग पूरी हो चुकी है आपकी। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है और नेक्स्ट जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद इस फोटो को आपको सेव नीचे की तरफ फिर से मिल जाएगी, सेव कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे सेव कर लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि पिक आर्ट में जब भी एडिटिंग कीजिएगा तो आपको डाटा ऑन नहीं होना चाहिए, डाटा ऑफ करके कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मैंने जो फ़ोटो बना लिया है उसको मैं आपको गैलरी में जा करके दिखा देता हूँ कि कैसा बना हुआ है। तो आपके सामने मैंने गैलरी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको जो फ़ोटो मैंने बनाया है उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो फ़ोटो मैंने बनाया था देख सकते हो कि इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेट वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे मैं व्हाट्सएप प्रोफाइल या कहीं पे भी पोस्ट कर सकता हूँ, देखने में काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो ऐसा बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और हो सके तो रिपीट करके वीडियो को भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं और नए इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।